आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो पहले आप तक पहुंचे, घंटी ज़रूर दबाएं। हाय, वेलकम टू अनी फैशन। पिछले भाग में हमने आपको स्कर्ट की कटिंग दिखाई थी, इस भाग में हम आपको क्रॉप टॉप की कटिंग दिखाने जा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं इसकी कटिंग किस तरीके से की जाती है। क्रॉप टॉप कॉलर वाला, आगे पोटली बटन लगेंगे जो कि हमें स्कर्ट के कपड़े से पोटली बटन बनाना होगा। उसके लिए हमने कपड़ा लिया है 1 मीटर क्रॉप टॉप के लिए, 1 मीटर अस्तर, और ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है स्कर्ट का। तो सबसे पहले हम अस्तर कटिंग करेंगे। अस्तर हमने डबल फोल्ड में खुला साइड अपने तरफ रखा है। हम सबसे पहले कपड़े को सीधा करके सीधा निशान लगाएंगे, इस तरह से खुला साइड के तरफ भी हम निशान लगा देंगे। अब आधा इंच का हमें मार्जिन छोड़ना है दबाव के लिए, इस तरह से। फिर हम इसको सीधा करेंगे। इसका मेजरमेंट इस प्रकार है, लंबाई 15, चेस्ट 30, कमर 27, बाजू 13, मोहरी 18.5, 8.5, तीरा 15, आर्मोल 16, इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे, इस तरह से निशान लगा देंगे। लंबाई है 15 इंच, आधा इंच हम बढ़ा के लेंगे क्योंकि कंधे पे सिलाई लगाते वक्त आधा इंच वो दब जाता है। फिर हम 5.5 पे निशान लगा देंगे, आर्मोल वाला निशान। फिर हम इसको सीधा कर देंगे, फिर कंधी को भी इस तरह से सीधा कर देंगे। चेस्ट 30 इंच है तो उसमें हम 2 इंच की लूजिंग लेंगे तो 32 आ जाएंगे, इसके चौथाई हिस्से करके 8 इंच पे हम निशान लगा देंगे। कमर 27 है तो 27 ही रखेंगे हम, उस हिसाब से 7.25 आएगा, 27 का चौथाई हिस्सा 7.25 आया तो 7.25 हम 7.25 पे हम निशान लगा देंगे। फिर यहीं से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लगा देंगे निशान मार्जिन के लिए। फिर हम चेस्ट से कमर तक निशान लगाएंगे, फिर वही 2 इंच का जो हमने मार्जिन छोड़ा था उसे भी सीधा कर लेंगे। अब तीरा नापना है 15 इंच, ये 7.5, इसका डबल लेना है तो 15 का आधा 7.5 आएगा, तो 7.5 इंच हमने निशान लगा दिया है। यहाँ से अपर चेस्ट नापना है, फ्रंट क्रॉस नापना है 12 इंच, तो हम 6 इंच पे निशान लगा दिए, इस तरह से तिरछा आएगा, निशान लगा दिया। अब हमें आर्मोल नापना है, इसे गोलाई कर देंगे पहले। अब हम आर्मोल नापेंगे 16 इंच, ये 16 इंच नहीं आ रहा है तो हम इसे और नीचे करके इस तरह से लगा देंगे निशान। आधा इंच ऊपर छोड़ के तब नापेंगे, ये हमारा 16.5 आ रहा है तो हम इसे आधा इंच इस तरह से डाउन कर देंगे, क्योंकि जब हम कॉलर वाला बनाते हैं तो बाजू के साइड ऊपर कंधे पे उठ जाता है, तो हम आधा इंच ये डाउन कर दिए हैं तो इससे ये उठेंगे नहीं। फिर हम प्रिंस कट अगर बनाना चाहते हैं तो 3.5 इंच पे निशान लगा देंगे यहाँ, डॉट पॉइंट 9.5 इंच। फिर यहाँ हम 3.5 इंच पे निशान लगा देंगे, इस तरह से स्केल सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हमें प्रिंस कट का शेप देना है, इस तरह से हमने दे दिया। अब इसकी कटिंग करने जा रहा हूँ।
ये हमारा फ्रंट पल्ला का कटिंग हो गया। इसी में हम पोटली बटन लगाएंगे इस तरह से। यहाँ हमारा कॉलर होगा। अब हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। इस तरह से हम रखेंगे आधा इंच अपने साइड बढ़ाते हुए, क्योंकि ये मार्जिन हमने सिलाई में दबाने के लिए लिया है, इसमें बैक में तो नहीं दबेंगे, इसलिए हमें आधा इंच अपने तरफ सरका के रखना है। इससे एक इंच बढ़ा के पीछे का पल्ला एक इंच बढ़ा के काटना है, क्योंकि कॉलर वाले जब भी बनते हैं तो वो आगे की तरफ कॉलर हमें तोड़ना पड़ता है, तो इसलिए हम इसकी कटिंग बढ़ा के करेंगे। और आर्मोल में हम एक इंच की यहाँ बीचों बीच गहराई ले लेंगे, आधे इंच की ले लेंगे। यहाँ से हम मिलाते हुए इस तरह से उसी निशान पे मिला देंगे। फिर आके हम मेन जो चेस्ट का निशान है उससे मिलाते हुए निशान लगा दिए। अब हमें इस निशान पे कटिंग करना है। अब हमें 2.5 इंच गले का ब्रॉडनेस नापना है। आगे हमें 3 इंच नाप के इस तरह से कटिंग कर देना है। ये हमारा आगे का पल्ला हो गया, ये पीछे का हो गया। इसे और हल्का सा डाउन कर देंगे 1.25 इंच के लगभग में। अब हमें इसको प्रिंस कट का शेप देना है। ये हमारा प्रिंस कट है। अब ये जो हम स्पेस खाली रखे हैं, ये जो हम डॉट लगाते हैं, जैसे मैं आपको बैक में दिखाऊं, डॉट में हम इस तरह से कपड़ा लेते हैं तो वो ऊपर की तरफ फूल जाता है, तो इसलिए हमने ये बीच वाला पोजीशन काट के हटा दिया है। अब ये यहाँ इस तरह से फूल जाएंगे। ये हमारा स्पेस चेस्ट का स्पेस है, ये यहाँ लूज रहेंगे, इसलिए कि चेस्ट पे फिटिंग सही आ जाएगा। करीब 1 इंच के लगभग मैं इसका काट दिया हूं। नीचे से 1 इंच ऊपर आते आते मिलाना होगा। मेन डॉट पॉइंट जो है उस पे लाके आप मिलाना होगा इस पे। ये हमारा अस्तर की कटिंग हो गया है। बाजू में हम अस्तर नहीं लगा रहे हैं, तो अब हम मेन कपड़े की कटिंग करते हैं। अब मैं काटने जा रहा हूं मेन कपड़ा। हमारा सीधा साइड ये है और उल्टा साइड ये है, तो हम सीधे साइड को अंदर की तरफ रखेंगे और उल्टा साइड ऊपर की तरफ रखेंगे। फिर उसी तरह से हमें इसको बिठा देना है, मेन कपड़े को, वो अस्तर को, इस तरह से जैसे जैसे था उसी तरह से हमें बैठा देना है। सेम हमें कटिंग करनी है अस्तर रख के, तो हम सेम कटिंग कर रहे हैं। ये हमारा आगे का पल्ला का है। अब हम आगे का पल्ले का दूसरा पल्ला कटिंग कर रहे हैं। ये हमारा आगे का पल्ला कटिंग हो गया। अब हम बैक पल्ला काटेंगे, तो उसके लिए हमने इस तरह से कपड़े को पलट दिया जिधर से हम काटे थे। अब बंद साइड अपने साइड रखना है, ओपन साइड उधर दूसरे साइड रखना है, तो हम बंद साइड अपने साइड इस तरह से रख दिए हैं। फिर सेम कटिंग करना है। ये हमारा बैक पल्ले की कटिंग हो गई सेम। अब हमें बाजू काटना है। बाजू की लंबाई आपको बताया था 13.5 इंच है,
तो हम बंद, ये दो पल्ला है अभी, तो हम इस तरह से चार फोल्ड में इसको कर देंगे। सबसे पहले हम सीधा निशान लगाएंगे इस तरह से, फिर हम 13 इंच बाजू की लंबाई है, हम 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे, आधे इंच ऊपर दबेंगे, इसलिए यह हमारा लंबाई हो गया। फिर हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए देंगे, जो अंदर मोरना होगा हमें, मोहरी 8.5 है तो उसका आधा 4.25 होगा। ये हमने 8.5 इंच मोहरी का निशान लगा दिए हैं। फिर यहां से हमें 3 इंच लेना होगा आर्मोल के लिए, फिर हम 6.5 इंच पे लगाएंगे निशान, 7 इंच पे किस चीज का, आर्मोल का, क्योंकि हम पहले 6.5 इंच पे वहां लगाए थे, मेन बॉडी बॉडी के उसमें 6.5 इंच पे लगाए थे, तो 1 इंच हमें बढ़ा के रखना है, तो 7.5 इंच आएंगे, तो 7.5 इंच पे हम निशान लगा दिया। अब ये फिक्स आर्मोल में आ जाएगा, फिर हम इस तरह से राउंड कर देंगे, फिर स्केल से इस तरह से मोहरी मोहरी के निशान और आर्मोल के निशान से मिलाते हुए स्ट्रेट कर देना है, फिर हम इस तरह से कटिंग कर देंगे इसका। ये हमने मोरने के लिए कट लगाया है, फिर 1/2 इंच का इसमें भी हम बीच में डाउन करेंगे 1/2 इंच, ये हमारा 1/2 इंच है, फिर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे, ये हमारा आगे के पल्ले में जुड़ना है, इसलिए इसे कटिंग करते हैं कि आगे फूल जाता है, तो इस वजह से ये उसको खींच के रखता है और बराबर इक्वल आता है, इसलिए ये हमारा अब क्रॉप टॉप की कटिंग हो चुकी है। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।